अब बात करते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द। जी हां, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और अब ये नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीएम डॉक्टर यादव दिल्ली एक बार फिर जा सकते हैं, दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करने के लिए आलाकमान से एक बार फिर मुलाकात करेंगे। 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। एक बार फिर आलाकमान से चर्चा करने के लिए दिल्ली जा सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और आलाकमान से चर्चा करने के बाद ही 25 तारीख को यानी कि 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ये नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ मंत्रिमंडल को गठन को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और दो डेप्यूटी सीएम के शपथ के बाद से मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हो रही है। सीएम बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव दो बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, आला नेताओं से मुलाकात और बैठक हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि जल्द मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा। दिल्ली दौरे से लौटे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को सुनिए। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मेरे साथी उप मुख्यमंत्री राजन शुक्ला जी, हम सब लोग जाकर के सौजन्य भेंट की है और मार्गदर्शन मिले उनका, इस दृष्टि से मुलाकात की। सर मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक सर? वो सारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी बेसब्री से तो है इंतजार, लेकिन ये दिल्ली पूछो आप। उधर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। सदन में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने एमपी को केंद्र शासित प्रदेश कहकर तंज कसा। मध्य प्रदेश एक केंद्र शासित राज्य बन चुका है लगभग, और यहाँ के निर्णय ना मुख्यमंत्री जी के हाथ में है ना प्रदेश अध्यक्ष जी के हाथ में, सारे निर्णय होने हैं दिल्ली से। तो मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति मंत्री बनना चाह रहा है। अब बीजेपी की संख्या है 164 के लगभग, तो 164 तो मंत्री बन नहीं पाएंगे, तो जो लोग ना बन पाएंगे मैं समझता हूँ वो सारे लोग कांग्रेस की बी टीम बन करके काम करेगी। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस को हम लोगों को बीजेपी ही मुद्दे देने वाली है और ऐसे गैर अनुभवी लोग भी उसमें आने वाले हैं मंत्रिमंडल में, जो हो सकता है कोई सांठ गांठ करके या ऊपर से लेन देन करके बन के आ जाए, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा अवसर है। बीजेपी हमें बहुत सारे आने वाले समय मुद्दे देगी। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। विस्तार में हो रही देरी से कांग्रेस को निशाना साधने का मौका भी मिल रहा है। और अब बात करते हैं सीएम देंगे सौगात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में हैं। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को 25 दिसंबर को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। ऐसे में तैयारियों को लेकर भोपाल में सीएम ने एक बैठक की। पच्चीस दिसंबर का दिन इंदौर के हुकुमचंद मिल के मजदूरों के लिए बड़ा होने वाला है। इस दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव मिलकर मजदूरों की बकाया राशि जारी करेंगे। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इंदौर के कनकेश्वरी धाम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में हुकुमचंद मिल मजदूरों को सीएम बड़ी सौगात देंगे। पिछले दिनों अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम ने बकाया राशि के भुगतान के लिए 425 करोड़ 89 लाख जारी किए थे। पिछले 30 सालों से मिल के मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। 25 दिसंबर को इंदौर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में बैठक की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उधर सीएम बनने के बाद पहली बार डॉक्टर मोहन यादव इंदौर आ रहे हैं, ऐसे में उनके स्वागत के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। मिल मजदूरों को उनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए उसको लेके, और वो पूरा हुआ है।
उसी कार्यक्रम में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जुड़ने वाले हैं। उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मिलित होंगे और उन सभी मिल परिवार के मजदूरों को, उनके परिवारजनों को अपने हाथ से वो राशि भी भेंट करेंगे। सीएम इंदौर को 427 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इंदौर में होने वाले कार्यक्रम में बीजेपी के आला नेता शामिल होंगे। सफाई का संदेश। जी हां, उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छता का संदेश दिया। अटल उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान शुरू करने को लेकर तारीफ की और खुद झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास के मामलों को लेकर के सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मध्य प्रदेश सरकार विकास के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता है की ध्यान दे रही है। मेरा प्रयास है कि उज्जैन संभाग सहित सभी संभागों में, प्रदेश भर में विकास के सभी काम चलें और खासकर उज्जैन में तो 2028 में सीमस्थ आ रहा है, कुंभ मेला आ रहा है। ऐसे में हमारे विकास के कामों को लेकर के तुरंत उस पर भी प्लान बनाने के लिए कहा है और जो हमारे चलने वाले काम है, जो पूर्ववर्ती सरकार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मंजूर थे, वो सारे कामों की गति बने। उज्जैन के विकास को लेकर के हम सबकी इच्छा है क्योंकि उज्जैन के बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन एक तरह से माननीय मोदी जी के शुभारंभ करने के बाद ही ये एक अलग प्रकार की स्थिति में आया है। इसलिए मैंने आज भी उसकी संख्या की जानकारी निकाली कि लगातार हमारे उज्जैन में तीर्थाटन करने वालों की संख्या अत्यधिक बढ़ी है, तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए सारे प्रबंधन हो जाए, आने जाने के मार्ग ठीक हो जाए, जन सुविधाएं ठीक से हो जाए, जो भीड़ के प्रबंधन है, खास करके लंबा नहीं चलना पड़े, छोटे से छोटे में उनके दर्शन जल्दी हो जाए, या तिरुपति बालाजी या अन्य देवस्थान पे जो समय का स्लॉट देते हैं कि उस समय उनके दर्शन हो जाए तो आधे घंटे से कम समय में दर्शन हो, इसका भी बात करने के लिए मैंने कहा है और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में और विकास के जो जो काम हो सकते हैं उस सब पे बात। अब बात कर लेते हैं सनातन में वापसी की। बैतूल में बड़ी संख्या में लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की। इनको गंगा जल पिलाकर और कलावा बांधकर इनकी घर वापसी कराई गई। लालच, झूठ, फरेब, नौकरी का झांसा, बीमारी से मुक्ति का वादा, धर्म परिवर्तन का जाल जिसमें कई लोग फंसते हैं और अपना मूल धर्म छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल और महाराष्ट्र के अमरावती जिले में दर्जनों गांवों के सैकड़ों दलित और आदिवासी लोग ईसाई मिशनरीज के चक्कर में पड़ अपना धर्म छोड़ देते हैं। लेकिन अब इनमें से 152 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। इनको कलावा बांधकर, गंगा जल पिलाकर और पांव पखारकर मूल धर्म में इनकी वापसी कराई गई। वहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ईसाई मिशनरीज धर्म परिवर्तन के लिए तरह तरह का लालच देते हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं और अपना धर्म छोड़ ईसाई बन जाते हैं। सर, धर्म परिवर्तन के हिसाब से तो भाई यानी शुरू स्टार्टिंग में लोभ लालच दिखा देते, लोभ लालच दिखाने के बाद में फिर हमारे यहाँ पैसा होता वैसा होता, ये इलाज करेंगे वो इलाज करेंगे, पैसा लगाएंगे, नौकरी लगाएंगे, मगर नौकरी भी नहीं लगा पाते ना, पैसा भी नहीं देते, आदमी को आधे में ले जा करके छोड़ देते, इस प्रकार का काम करते रहते। वो इसमें धर्म परिवर्तन मतलब धर्म परिवर्तन के लिए तो बहुत ज़्यादा जोर करते मगर कई लोग सफल होते हैं, कई नहीं हो पाते। कि कोई बीमार व्यक्ति रहता है गांव में, उनको बोलते हैं कि इलाज कराने के लिए इलाज करा देंगे तुमको, उनको फायदा होगा, फिर उसमें फंसा लेते हैं। हाँ, और फिर लालच भी देते हैं उनको कि तुमको इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, फिर धर्म परिवर्तन कर देते हैं।
इन इलाके के लोगों का कहना है कि ईसाई मिशनरीज के चक्कर में फंसे लोगों का धर्म परिवर्तन के बाद कुछ हाथ नहीं आता, साथ ही उन्हें सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। समाज के लोग इन्हें शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में भी नहीं बुलाते और धर्म परिवर्तन कर चुके लोग समाज से अलग थलग महसूस करते हैं। गांव के नागरिक भी दबाव डालते कि अब तुम यहां गए तो अब कैसा करेंगे, तुम्हारी लड़की नहीं मांगेंगे, तुम्हारे बेटी भी आएंगे नहीं, तुमको लड़की नहीं देंगे। तो इस प्रकार से वाद विवाद फिर गांव में गांव की जनता को फिर मनाना पड़ता है, मना के फिर वापस रिटर्न लेते तो फिर खर्चा लगाते। गांव के लोग यानी कि उनको एक्सेप्ट नहीं करते ना सर, इस वजह से फिर उनको उधर से कुछ फायदा मिलता नहीं। हाँ, अब वो जो देते हैं तो उसको उनका कुछ फायदा मिलता नहीं, इस वजह से फिर वो यानी कि ध्यान नहीं देते, इस वजह से फिर वापस यानी कि अपने इसमें आना पड़ता है। इन स्थितियों का सामना करने के बाद धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों के सामने घर वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वहीं समाज में कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों के बीच लगातार काम कर रहे हैं और इन्हें घर वापसी के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को समझाने के बाद बड़ी संख्या में लोग अब घर वापसी करने लगे हैं और हिंदू रीति रिवाज अपनाने लगे हैं। ऋषु नायडू, बैतूल, न्यूज 18। और अब बात ऐसे स्कूल की जो विवादों में है, क्यों आइए आपको बताते हैं। विदिशा में दरअसल कॉन्वेंट स्कूल में एक प्रिंसिपल पर पिटाई मामले में केस दर्ज हो गया है। बाल दिवस का कार्यक्रम था जहां कुछ छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, इसे लेकर छात्रों की पिटाई हुई थी। विदिशा का ये स्कूल न केवल विवादों में है बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधन के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया है। आरोप है कि बाल दिवस के मौके पर कुछ छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, बस इस बात को लेकर छात्रों की पिटाई कर दी गई थी। हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया और बाल संरक्षण आयोग से शिकायत की। शिकायत को लेकर आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने स्कूल में जांच की और पीड़ित बच्चों के बयान लिए। आरोप सही पाए जाने पर केस दर्ज हो गया है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने जय श्री राम का नारा लगाया, इस पर बच्चों की पिटाई की गई, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, ह्यूमिलेशन किया गया। हमने इस बारे में जांच करने के लिए यहाँ स्थानीय प्रशासन को लिखा था। स्थानीय प्रशासन की जांच रिपोर्ट हमको प्राप्त नहीं हुई। मीनवाइल हमको ये पता चला कि एक जांच टीम यहाँ पर आई थी। हमको यहाँ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस बारे में शिकायत भेजी थी कि एक जांच टीम यहाँ पर आई और बिना जांच किए वापस चली गई। स्कूल के प्रबंधन और प्रिंसिपल अब मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। उधर शहर में भी इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है। और अब खबर रीवा से, जहां एक चोर को जब कुत्तों ने दौड़ा दिया तो वो बबूल के पेड़ पर जा चढ़ा, जहां उसे गांव वालों ने घेर लिया। इसके बाद मौके पर पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने गांव वालों से चोर की जान बचाई। ये अजीबोगरीब घटना रीवा के चोराहाटा थाना क्षेत्र की है, जहां चोर 3 बकरियां चुरा कर फरार हो गए। सुबह जब घर वालों को पता चला कि बकरियां नहीं है, तलाश होने लगी। शोर शराबा सुनकर एक चोर वहां पहुंच गया। उसके पैरों में मकान मालिक की चप्पल देख लोगों ने उसे पहचान लिया। पहचान होते ही वो भाग खड़ा हुआ और भागकर एक बबूल के पेड़ पर चढ़ गया। एक और कुत्ता तो दूसरी तरफ गांव वालों ने उसे घेर लिया। तकरीबन 2 घंटे तक यही तमाशा वहां चलता रहा। देखिए आप, जो पेड़ पर चढ़ा ये शख्स है, दरअसल ये चोर है जिसने बकरियां चुराई थी और सुबह इसके पैरों में मकान मालिक की चप्पल लोगों ने देखी, इसकी पहचान हो गई, जिसके बाद इसको वहां से दौड़ा लिया गया। कुत्ता भी था और गांव वाले भी थे, तो उनसे बचने के लिए ये पेड़ पर जा चढ़ा। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को पेड़ से नीचे उतारा गया। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर कांग्रेस संगठन से जुड़ी हुई आ रही है, जहां बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस ने कई प्रभारी बदल दिए हैं। जितेंद्र सिंह होंगे मध्य प्रदेश के प्रभारी, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगठन में कई बदलाव यहां पर कांग्रेस ने किए हैं और जो हार मिली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, उसके बाद अब कांग्रेस के अंदर ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। संगठनात्मक तौर पर अब यहां प्रभारी बदले गए हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के।
सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया है। जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेताओं ने भी विरोध दर्ज कराया था और ऐसे में अब छत्तीसगढ़ का प्रभार आने वाले चुनावों को देखते हुए सचिन पायलट को दिया गया है। बड़ी खबर, पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष को बदला और अब ये तब्दीलियां देखने को मिली हैं। जितेंद्र सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो कांग्रेस ने कई प्रभारियों को बदला है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, शिवम प्रताप सिंह हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, ये बड़े बदलाव किए गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार इन बदलावों की बात कर रही थी। लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि कई राज्यों में प्रभारी नहीं और कई राज्यों में एक्स्ट्रा प्रभारी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष बनने के बाद कोई नई टीम नहीं बनाई थी, लेकिन आज उस टीम का ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, लेकिन कोई राज्य की प्रभारी नहीं रहेगी। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अविनाश पांडे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं। इससे पहले राजस्थान समेत कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के साथ साथ। कुमारी शैलजा को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। उत्तराखंड का प्रभारी घोषित किया गया है। हरियाणा की बड़ी नेता है, अभी छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी। और आप अगर टोटल की बात करें तो लगभग 12 ऐसे जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं जो जिनको बड़े बड़े राज दिए गए। मुकुल वासनिक को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है, जितेंद्र सिंह को असम का। ये सब वो टीम है जो मल्लिकार्जुन खड़गे के अंडर में काम करेगी, क्योंकि मैं 4 से 5 महीने का वक्त चुनाव में रह गया है। ऐसे में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, गुजरात, असम, कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र, इन तमाम जो राज्य है जिनके पास अभी तक प्रभारी नहीं थे, जिनके पास अभी तक कोई महासचिव असाइनमेंट नहीं थे, अब आगे चलकर न सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर माथा पच्ची होनी है बल्कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी होनी है। बहुत ही स्टेज है हालांकि इस खबर की, लेकिन जरा अगर आप देख पाए लिस्ट में और बता पाए कि किसका प्रमोशन हुआ है, किसका डिमोशन हुआ है, क्या ऐसे हम डिफरेंशिएट अभी कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। इस समय अगर आप प्रमोशन की बात करें, सचिन पायलट को न सिर्फ राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है बल्कि छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट का प्रभारी बनाया गया, अविनाश पांडे को महासचिव बनाया गया। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट लोकसभा चुनाव में जो राज्य होगा वो अविनाश पांडे को दिया गया है। कुमारी शैलजा का डिमोशन हुआ है क्योंकि वो पहले बड़े स्टेट में रही है, लेकिन अब उन्हें उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ साथ जयराम रमेश अभी तक जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन थे, उनको उसी पद पर रखा गया है। केसी वेणुगोपाल इससे पहले भी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको उसी पद पर रखा गया है। रमेश चिन्नाथाला एमएलए रहे हैं, उनको महाराष्ट्र का प्रभार दिया गया। वहीं मोहन प्रकाश राजस्थान के एक नेता है, उनका जबरदस्त प्रमोशन हुआ और उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया। जी, ठीक है। तो ये नाम आपने बताया कि किन्हें प्रमोशन मिला है, किन्हें डिमोशन मिला है। बहुत शुक्रिया शिवम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब देख लेते हैं टॉप 20। तो टॉप 20 दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आगरा की खबर, जहां आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में कैद भगवान श्री कृष्ण की आजादी के लिए पूज्य महाराज देवकी नंदन ठाकुर के सानिध्य में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के छापी हेड़ा में भव्य सनातन यात्रा निकाली गई। शांति के पथ पर चलते हुए पूज्य देवकी नंदन ठाकुर महाराज लगातार भगवान श्री कृष्ण की रिहाई के लिए सनातन यात्राएं निकाल रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्तों ने सनातन यात्रा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और ये घोषणा कर दी कि जल्द ही केशव देव की मूर्तियां मस्जिद से निकालकर कृष्ण जन्मभूमि पर स्थापित करेंगे।